क्या भारत एक विकसित देश है? नहीं, आजादी के 77 साल बाद भी भारत विकसित देशों की लिस्ट से कोसों दूर है। मोदी सरकार ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या ये सपना साकार हो पाएगा? किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था सबसे अहम होती है। भारत इस वक्त दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी चीन 3.74 ट्रिलियन डॉलर है। अनुमान है कि साल 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि फिर भी भारत विकसित देशों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा। आइए समझते हैं विकसित देश होने पर क्या होता है पैमाना, कितना बड़ा है ये लक्ष्य और कैसे हासिल किया जा सकता है, कौन से देश विकसित हैं। सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो विकसित माने जाते हैं। इनमें पहला नाम नॉर्वे का है। नॉर्वे दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित लोकतांत्रिक और न्यायिक देश कहा जाता है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और इटली जैसे देशों का नाम आता है। ये देश दुनिया के बाकी देशों से बहुत अलग है। इन्हें औद्योगिक देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के नागरिक क्वालिटी हेल्थ केयर और हायर स्टडी का फ़ायदा उठाते हैं। इन देशों के पास एडवांस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। क्या भारत विकासशील देश है? भारत एक विकासशील देश था पहले, अभी अतीत की बात है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल किया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 1,085 डॉलर से कम है उन्हें लो इनकम देश कहा जाता है। 1,086 डॉलर से 4,125 डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को लोअर मिडिल इनकम देश और कहा जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 2500 डॉलर है। भारत के साथ पाकिस्तान भी लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल है। खास बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन विकसित नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने चीन को अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा है। विकसित और विकासशील देश में अंतर क्या है? विकसित और विकासशील देश में कई अंतर होते हैं, लेकिन कोई सटीक परिभाषा नहीं है। विकसित देश स्वतंत्र और समृद्ध होते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है और प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं की गारंटी होती है। विकासशील देशों में इन सुविधाओं का स्तर कम होता है। विकसित देशों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या आमतौर पर 90% या उससे ज़्यादा होती है, जबकि विकासशील देशों में 70% या उससे कम होती है। विकसित देशों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक कानून और नियम होते हैं। विकासशील देशों में लोगों का जीवन स्तर औसत होता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होती है। विकसित देश होने का क्या होता है पैमाना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। अब इस पर बात करते हैं। विकसित देश होने के लिए कोई एक मापदंड या पैमाना तो है नहीं। विकसित देश बनने के लिए कई आर्थिक और सामाजिक कारण निर्भर होते हैं। इनमें सबसे अहम होता है प्रति व्यक्ति आय। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय सालाना 12,000 डॉलर यानी कि 10 लाख रुपये से ज़्यादा है तो ये देश विकसित माना जाता है। भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए इन 4 पैमानों पर खरा उतरना होगा। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि GNI, पर कैपिटा इनकम PCI, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। 2047 तक भारत कैसे बनेगा विकसित देश? भारत को विकसित देश बनने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना होगा। माना जाता है कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो देश उतना ही विकसित होगा। देश इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से रोजगार और निर्यात दोनों बढ़ता है। अभी भारत का आयात ज़्यादा है और निर्यात कम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2020 में ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.6% थी, जबकि चीन का हिस्सा 34% से ज़्यादा था। एक अन्य कारण है गरीबी। विकसित देशों में गरीबी ना के बराबर होती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हर दिन 2.15 डॉलर करीब 180 रुपये कमाता है तो वो बेहद गरीब कहा जाता है। वहीं भारत में व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाता। अगर वो गाँव में रहकर हर दिन 24 रुपये और शहर में रहकर हर दिन 32 रुपये खर्च करने में सक्षम है, यह है अमीरी गरीब का फासला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में RSS में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में गरीब और अमीर लोगों के बीच का फासला बढ़ा है। दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं। अमीर और गरीबी की खाई गहरी होती जा रही है, हमें इस खाई को पाटने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने समस्या का समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि अमीर गरीब का फासला कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। देश के 124 जिले सामाजिक और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने उन जिलों को विकसित करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। कहा कि शहरी क्षेत्रों में खूब विकास हुआ, ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं का अभाव है। इस कारण एक बड़ी आबादी गांव से शहरों की ओर पलायन कर रही है। हालांकि
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का अनुमान है कि भारत अगले कुछ सालों तक 7% से ज़्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता है तो 2030 तक देश की GDP 7.3 trillion dollars तक पहुंच जाएगी। भारत सरकार ने 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग 2047 तक $30 trillion की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। नीति आयोग के मुताबिक 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को 2030 से 2047 तक हर साल 9% की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा, तभी विकसित देश का लक्ष्य हासिल हो पाएगा। तब 2047 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 10 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है।